में संस्कृत में प्रथमा पाठ पढ़ेंगे जिसमें है शब्द परिचय, जिसमें कि हम स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं स्वर व्यंजन क्या होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी होते हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो पहला होता है अ से अस्वर। अस्वर मीन्स आपको ये पिक्चर बनेंगे, इसमें दिखाया हुआ अस्वर मीन्स क्या होता है, घोड़ा होता है। सेकेंड है अ से आम्र। आम्र मीन्स क्या होता है, आम होता है। इसे इष्टिका, इष्टिका मीन्स क्या होता है, ईट होता है। इसे ईसर, ईसर मीन्स क्या होता है, भगवान होते हैं। उसे उष्ट्रा, उष्ट्रा मीन्स क्या होता है, ऊन होता है। उसे ऊना, ऊना मीन्स होता है ऊन। फिर से ऋषि, ऋषि मतलब ऋषि होता है। नेक्स्ट आते हैं हम ए से हिरण। हिरण मीन्स होता है हिरण। ऐसे इंद्रजालिक, इंद्रजालिक मीन्स होता है जादूगर। उसे ओष्ठक होता है, ओष्ठक मीन्स होता है ऊंट। और उसे औषधम होता है, औषधम मीन्स होता है औषधि या दवाई। इसके बाद आते हैं हम व्यंजन पर। तो व्यंजन में का से कमलम, कमलम मीन्स होता है कमल। खा से खड़गा, खड़गा मीन्स क्या होता है, तलवार होता है। घा से गणेश है, गणेश मीन्स गणेश। घा से घटा, घटा मीन्स होता है घड़ा। और घा से गंगा, गंगा मीन्स गंगा नदी। चा से चक्रम, चक्रम मीन्स होता है पहिया। छा से छत्रम, छत्रम मीन्स होता है छाता। जा से जलयानम, जलयानम मीन्स होता है जहाज। झा से झरय, झरय मीन्स झरना। चा से चंचू, चंचू मीन्स यहाँ पर हम बताया चंचू मीन्स होता है चौंच। ता से टंकणयंत्रम, टंकणयंत्रम मतलब होता है टाइपराइटर। था से खटका मीन्स ठटेरा। डा से डमरू, डमरू मीन्स डमरू होता है। ढा से ढोलय, ढोलय मीन्स ढोल होता है। बा से बाण, बाण मीन्स बाण। ता से तरु, तरु मीन्स क्या होता है, पेड़ होता है। खा से थर, थर मीन्स होता है पठार या पर्वत। धा से दर्पण, दर्पण मीन्स होता है आईना। धा से धनु, धनु मीन्स होता है धनुष। ना से नरेश, नरेश मीन्स होता है राजा। पा से पर्ण, पर्ण मीन्स होता है पत्ता। फा से फणी, फणी मीन्स होता है सांप, सांप को हम संस्कृत में फणी बोलते हैं। भा से बकर, बकर मीन्स होता है बगुला। भा से भल्लुक, भल्लुक मीन्स होता है भालू। मा से मयूर, मयूर मीन्स होता है मोर। या से यज्ञ, यज्ञ मीन्स होता है यज्ञ। रा से रथ, रथ मीन्स होता है रथ। ला से लड्डू, लड्डू मीन्स होता है लड्डू। बा से बटा, बटा मीन्स होता है बरगद, बरगद का पेड़। सा से षष्ठ, षष्ठ मीन्स होता है खरगोश। सा से षटपद, षटपद मीन्स होता है मक्खी। इसे छह पैर होते हैं इसलिए उसको षटपद बोला जाता है। सा से सराय, सराय मीन्स होता है तालाब। सा से हलम, हलम मीन्स होता है हल। फिर यहाँ पर आते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ हम। तो छा से छत्री, छत्री मीन्स होता है छत्री। त्रा से त्रशम, त्रशम मीन्स गन होता है। ज्ञा से ज्ञानी मीन्स ज्ञानी होता है। तो यहाँ पर आपको फिर हम आते हैं अभ्यास की तरफ। तो ये चित्रानी दृष्टवा नामानि लेखक। तो ये चित्र में जो दिए गए हैं उनका आपको सामने नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर अस्वर, यहाँ पर इसका चित्र बना हुआ, इसके नीचे इसका नाम लिखा हुआ। तो आप आगे आएंगे तो यहाँ पर ये दिए हुए सारे, इनके नीचे आपको इस लेसन से ढूंढ कर ये नाम लिखने हैं। और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है पुस्तकात् उचितम शब्दम चित्वा चित्रानुसारम लिखत। पुस्तक में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी पिक्चर दी गई है। तो उन शब्दों के माध्यम से आपको यहाँ पर ढूंढ के किसकी पिक्चर है उसके नीचे उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा जो क्वेश्चन है अधोलिखितानाम शब्दानाम वर्णन पृथक पृथक लिखत। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनको हमको वहाँ पर उनके स्वर व्यंजन अलग अलग करके लिखना है, जो कि आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है स्थानीय कुरियर, जिसमें कि आपको यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं उनके बीच के कुछ वर्ड जो हैं जो गायब हैं वो आपको ढूंढ के लिखना है सही वर्ण। लास्ट आता है वर्णानु वर्णमालानुसार क्रमेण स्थापित। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि आपको वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमा कर लिखेंगे।